नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर साहू। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। जैसे कि जानते हैं आज उपचुनाव का इलेक्शन चल रहा, वोटिंग चल रहा है। अभी हम लोग बूथ संख्या 242 पे है। यहाँ पे कुछ बीजेपी समर्थक, जेडीयू का समर्थन है जो अभी वोट दे के आए हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। तो सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष यादव। अच्छा, आप किसको अभी समर्थन किए हैं? अमन भूषण हजारीका। अच्छा, आपका तरफ से कितना समर्थन यहाँ पे जो वोट दिए होंगे? यहाँ करीब 200-300 अभी वोट गिरे होंगे। अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जनता को? हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आज तो सबसे पहले हम ये कर्ता के भेष में है, जो मेरे पिताजी मर गया चुनाव में, कुछ उतना हम लोग नहीं प्रचार प्रसार कर पाए, समय का अभाव मिले। लेकिन ये संदेश देना चाह रहे हैं जनता को कि इसके माध्यम से कि विकास के नाम पर जो नीतीश कुमार ने काम किए हैं, बिजली है, सड़क है, पुल है, पुलिया है, जो भी वृद्धा पेंशन है, जितना भी विकास का काम किए हैं, इस विकास के मार्फत से और नीतीश कुमार के मार्फत से ये कहना चाह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट करें अमन भूषण हजारी को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार दो पार्टी का बहुत बड़ा टक्कर चल रहा, आरजेडी और वैसे तीर छाप जेडीयू का बोलने से बीजेपी का, तो आपको क्या लगता है कि किसके सर पे ये सजेगा? ये देखिए, सहरा जो है सजा हुआ है और लिखा हुआ है कि उपचुनाव जो होते हैं सो सहानुभूति वोट है। जो भी इससे पहले भी जहां भी हुए हैं उपचुनाव हुआ है, वो सरकार के पक्ष में हुए कि सरकार काम की हो, और सहानुभूति वोट भी है। इस सहरा अमन भूषण हजारी के सिर पर लिखा हुआ है कि उसका गद्दी मिलेगा, होगा ही। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र यादव हुआ। तो आप वोट दिए कि नहीं? हाँ, दे दिए। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा उपचुनाव में? उपचुनाव आज तक नहीं हारा है, न हारेगा, अमन कुमार जीतेगा। अच्छा, आपका भारी समर्थन? एकदम भारी समर्थन। चलिए।